हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके बूस्ट में। तो आज हम सीखने वाले कि कैसे आप ट्रेन कंपार्टमेंट बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है। पहले आप भी एक इमेज डाउनलोड कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इसे बना सकते हैं आसानी के साथ। तो इसे बनाने के लिए आपके पास कोई इमेज होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, या फिर आप वैसे तो इमेजिनेशन के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन रेफरेंस रहता है तो बनाने में थोड़ी आसानी होती है। तो देखिए, ये मैंने इमेज डाउनलोड किया आर्ट स्टेशन से और ये हम आ गए हैं ब्लेंडर में। अब देखिए, आप इसे रेफरेंस एज अ इमेज एज अ रेफरेंस आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिएगा ताकि ये रेफरेंस हमेशा हमारी नज़रों के सामने रहे। तो ये देखिए, रेफरेंस इमेज में ओपन कर लेता हूँ, ये हमारे डेस्कटॉप पर रखी हुई है। तो मैंने इसे ले लिया है, ये आ गया हमारा इमेज। इसे आप पहले अच्छी तरह से जमा लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसका रोटेशन वगैरह ठीक से नहीं होता। तो इसे हम रोटेट करके पहले तो सही से कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इमेज। ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको स्टार्टिंग करनी है कि आपको मॉडलिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जो मेन पार्ट है कंपार्टमेंट का, जैसे कि ये क्यूब है, सबसे पहले हम इसे डिज़ाइन करेंगे। इमेज को आप हमेशा फ्रंट पर रखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है इमेज के, इसमें देखिए ये हम जाते हैं, ये देखिए फ्रंट और बैक लिखा हुआ है नीचे। तो आप इसे ऑलवेज फ्रंट भी कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि बार बार जो है आपको मॉडलिंग में कोई दिक्कत ना हो। देखिए फ्रंट बैक, में इसकी बैक साइड से ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पीछे की तरफ आ गया है इमेज, ठीक है, मैं इधर से मॉडलिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेन कंपार्टमेंट बनाएंगे। तो इसके लिए इसका शेप जो है वो क्यूबिक है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब से स्टार्ट करेंगे इसकी मॉडलिंग, ठीक है। हम यहाँ पर एक क्यूब ऐड कर लेंगे, हमने कर लिया क्यूब ऐड। आप यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू का यूज़ कर लीजिएगा। ये क्यूब हमने ऐड किया, इसे स्केल कर लेते हैं इसके बराबर, ये हो चुका है। अब इस क्यूब का देखिए, जो अपर पार्ट है ट्रेन का कंपार्टमेंट का, वो अपर पार्ट है बेवल है, मतलब थोड़ा राउंड शेप में, तो इसे भी हम बेवल कर लेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्यूब हमने यहाँ पर लाए हैं, इसको हम मिरर करेंगे ताकि जब हम एक साइड कोई मॉडलिंग करें तो दोनों साइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या, कंट्रोल आर से एक ले लेंगे लूप कट, और जो राइट साइड वाला लूप कट है उसे हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। जो राइट साइड वाला लूप कट है इसे हम डिलीट कर देते हैं, ये हो गया डिलीट, सॉरी एजेस रह गए, इन एजेस को भी आप डिलीट कर दें। और यहाँ पर एक मॉडिफायर हम अप्लाई कर देंगे, मिरर मॉडिफायर। तो देखिए, हम यहाँ पर जाएंगे मॉडिफायर सेक्शन में और अप्लाई कर देंगे मिरर मॉडिफायर। तो वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप किसी एक साइड मॉडलिंग करेंगे तो दोनों साइड दिखाई देगी। अब ये हो गया, अब हम इस जो अपर वाले पार्ट है उसको बेवल कर देंगे कंट्रोल बी प्रेस करके। तो देखिए बेवल हो गया है और राउंड शेप आ गया है आपके कंपार्टमेंट में, ठीक है, ये हो गया हमारा राउंड शेप। अब जो ये खिड़की वाले होल्स दिख रहे हैं, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। दो तरीके हैं, या तो आप बुल टूल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत आ जाती है कि एजेस कहीं से भी बन जाती है, इसलिए हम बुल टूल का यूज़ नहीं करेंगे, लूप कट्स बनाएंगे। तो लूप कट्स बनाने के लिए सिंपली आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, तो देखिए लूप कट बन जाएगा। ये हो गया हमारा एक लूप कट। जहाँ जहाँ भी आपको अपने लूप कट देना है अपने अनुसार देख लीजिएगा। एक लूप कट हम नीचे दे देते हैं, बाकी की जो लूप कट है वो हम दे देते हैं इन विंडोज़ के लिए, जो परपेंडिकुलर लूप कट, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तो आप माउस स्क्रॉल करके बढ़ा लीजिएगा, कंट्रोल आर है शॉर्टकट की लूप कट के लिए। तो देखिए बहुत सारे हो गए, मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको, ठीक है। We'll be right back.
कट बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन जो होल वाली है विंडो वाली जो है फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी भी फेसेस है विंडो में लगी उन सबको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, हम इनको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे होल्स बन गए, ठीक है। अभी थोड़ा थीन जरूर है इसका स्किन, लेकिन इसे हम सॉलिडिफाई मोडिफायर से थोड़ा मोटा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है डोर, इसे हम करेंगे एक्सट्रूड। तो ये डोर वाली फेसेस जितनी भी है सबको सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम एक्सट्रूड कर देंगे, ताकि यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट दिखाई दे कि डोर है। इसे हम अंदर की ओर एक्सट्रूड कर देंगे, ई प्रेस करेंगे और ये अंदर धकेल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डोर बन गया, ये दोनों साइड हो जाएगा क्योंकि हमने मिरर बॉडी फायर अप्लाई किया हुआ है और राइट साइड वाला डोर भी हम बना लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा सिंपली डोर भी बन चुका है। अब आगे क्या करेंगे, हमें बनाना है इसका टेक्सचर, क्योंकि इतना हमारा बन चुका है तो अब हम इसे आराम से टेक्सचर कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हालांकि ये सॉलिडिफाई नहीं है क्योंकि हमने मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया है, थोड़ा थिन है, लेकिन अब आप टेक्सचर अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मटेरियल टैब में जाकर यहाँ आप यहाँ पर इमेज वो जो हमने डाउनलोड की थी इम्पोर्ट कर लेंगे उसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर मैंने पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। तो देखिए इमेज आ गई है और जो हमने एक विंडो अभी ओपन की, यहाँ पर हम एक यूवी एडिटर ले लेंगे। तो देखिए ये इमेज आ गई है। अब जब हम इन फेसेस को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए बहुत ही अलग अलग मतलब बिखरी हुई है, जिस तरह का ट्रेन हमारा बना हुआ है फेसेस उस तरीके से वो यूवी अनरैप नहीं हो रही है। तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लूप कट लगा सकते हैं जहाँ से कलर चेंज हो रहा है, ताकि जब हम फेस को अनरैप करें तो जो है ब्लू कलर वाली थोड़ा अलग आ जाए और जो स्काई ब्लू वाला है वो कलर अलग हो जाए। तो हम यहाँ लुकर लगा सकते हैं और इन एजेस को मार्क सीम कर सकते हैं, ताकि जब भी यहाँ से अनरैप हो तो यहीं से अनरैप हो मार्क सीम से, ठीक है। तो इन लुकर को आप सिलेक्ट करके मार्क सीम कर सकते हैं। ये एज पे गए, हमने मार्क सीम कर दिया। तो यहाँ से होगा क्या, फ़ायदा ये होता है कि जब अनरैप होता है कोई इमेज तो वो यहीं से अनरैप होगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला लुकर जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा, नहीं तो इसे हम नीचे मूव कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नया लूप कट लगा देते हैं जहाँ से स्काई ब्लू वाला कलर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक नया लूप कट लगा देते हैं ये, और इसे भी हम कर देते हैं मार्क सीम। स्मार्ट यू वी प्रोजेक्ट किया तो सभी अलग अलग आ चुके हैं, लेकिन हम क्या करते हैं प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर लेते हैं, चेक फ्रॉम व्यू कर लेंगे और इसे ही कर देंगे स्केल, ठीक है। ये देखिए सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आप यू वी अनरैप करना प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करके कर लीजिए। ये हमारा कलर यहाँ पर अनरैप हो चुका है, ट्रेन पर भी दिखने लग गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो विंडो के होल्स है वही से आपको सिलेक्ट करना है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो विंडो वाले होल है वो कहीं और भी दिखने लग गए हैं, मतलब जहाँ होल है वहाँ पर नहीं आए हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके और इन फेसेस को एडजस्ट करेंगे, ताकि जो होल है वो सही जगह पर आ जाए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। Thank you.
अब हम क्या करेंगे कि इस ट्रेन के थोड़ी डिटेल्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो विंडो की जाली हम बनाते हैं। तो विंडो की जाली बनाने के लिए कर्सर यहाँ ले आएंगे, देन यहाँ पर एक सिलेंडर ऐड कर लेंगे, जिसकी हम बहुत ही सिंपल एक जाली बना लेंगे। ये सिलेंडर मैंने यहाँ ऐड कर लिया, इसको हम रोटेट कर लेते हैं और इसकी एक रॉड बना देंगे, जैसा कि आमतौर पर इंडियन ट्रेन्स में देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया एक सिलेंडर, इसको मैं कर लेता हूँ रोटेट, और थोड़ा थीन कर देते हैं। देन मैं इसकी फेस को सिलेक्ट करके इसे खींच देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। इसकी फेस को सिलेक्ट किया, देन इसे मैं मूव कर देता हूँ वाई डायरेक्शन में, ये, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल एक रोड बन गई। अब इसी रोड को सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट बनाते जाइए। तो पूरी रोड को सेलेक्ट करने का एक शॉर्टकट होता है एल, एल प्रेस करके आप पूरा जो है उसका एडिट मोड वाला पूरा एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शिफ्ट डी, शिफ्ट डी करके फिर से मैंने एक रोड बना ली, फिर से बना ली। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे पूरा बना सकते हैं। और मैं इन सारी रोड को एक ज्वाइन भी कर लूँगा कंट्रोल जे की सहायता से, ठीक है, ताकि ये एक साथ रहे। इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इसका डुप्लीकेट करके आप जिस जिस विंडो में भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पर इसका डुप्लीकेट करके फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब जो है हम ये डोर के जो हैंडल है ये बनाएंगे। तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, हम हैंडल बनाने के लिए सिंपल एक क्यूब ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो हैंडल दिख रहा है दो, इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक क्यूब ऐड कर लेते हैं। पहले मैं 3D कर्सर को यहाँ पर ले आता हूँ, देन मैं यहाँ ऐड करूँगा एक क्यूब। आप बस टेक्निक सीखिए कि कैसे आप मॉडलिंग कर सकते हैं सिर्फ एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड का यूज़ करके। एक क्यूब से भी आप सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लूप कट लगा दूँगा। इसको पहले मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पर एक लूप कट लगा के उसे एक्सट्रूड कर दूँगा। ये देखिए, एक लूप कट लगाया, इसकी फेस को सिलेक्ट किया, देन मैं एक्सट्रूड कर दूँगा। एक्सट्रूड, सिंपल यहाँ भी वही टेक्निक, एक लूप कट देन एक्सट्रूड। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, देन इसकी ही हम कॉपी करके सारे डोर्स में लगा देंगे। Thank you.
अब हम क्या करते हैं, जो टैंक है इसका डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि सिंपल एक क्यूब और बेवल मॉडिफायर का यूज़ करके ही, बेवल का यूज़ करके मैं बनाऊँगा, कंट्रोल बी का यूज़ करके। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, ये जो बैक वाला पोर्शन है इसको डिज़ाइन करने के लिए सिंपल एक सिलेंडर ऐड कर लेते हैं, और देन उसमें भी एक्सट्रूड टूल का यूज़ करके ही बना सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं इसे भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आपने अगर अभी तक ब्लेंडर फुल कोर्स वाली सीरीज नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जिसके लिए आपको उसे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ डिटेल्स, तो अब ब्लेंडर कोर्स वाली सीरीज देखिए, उसमें आपको सब पता चल जाएगा क्या शॉर्टकट की यूज़ करना है किस चीज़ के लिए। सब ओके। व्हीकल के जो व्हील्स हैं इसे बनाने के लिए भी सिंपल एक सिलेंडर ऐड कर देंगे, देन एक्सट्रूड टूल का यूज़ करके ही हम बना लेंगे। तो देख लीजिए आप ये भी, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब ये ट्रेन के ऊपर जो
अपर साइड आप देख रहे हैं वहाँ की डिटेल्स अगर आपको बनानी है तो क्या करना है, उन फेस को आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैं फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन आपको अल्ट ई प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन दिखेंगे, इसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है एक्सट्रूड अलोंग विथ नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल से जैसे ही एक्सट्रूड होगा तो थोड़ा उठा हुआ जाएगा, तो जो ट्रेन का जो कंपार्टमेंट होता है थोड़ा रियलिस्टिक लगने लगेगा, और जो ये आगे वाली है इन्हें हम कर देंगे एक्सट्रूड डाउनवर्ड, ठीक है, जैसा थोड़ा दबा हुआ दिखेगा शेप। तो देख लीजिए, अब इसे आप आसानी से टेक्सचर भी कर सकते हैं। एक जो हमारी मटेरियल पहले से लगा हुआ है इमेज का, उसी इमेज में आप यूवी अनरैप करके इन सबको लगा देंगे तो जो है आसानी से आपको दिख जाएगा। मैं इन सबको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ।